ए चलो उठो 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 उठो, चलो काम करने के लिए उठो। अभी हम कुछ नहीं करेंगे। चलो चलो उठो जल्दी, सोने खाली सोए रहेंगे। चलो ना काम करने के लिए, उठो ना रे। अरे उठो, चलो चलो उठो ना काम करने के लिए। कितना हमेशा गुस्सा हो के एकदम क्या मोबाइल में देखते रहती है। सुनो ससुर जी, अब क्या छोड़ो क्या छोड़ो, अच्छा से बोलो, अब जिद छोड़ो। तो चलो 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 काम करने, चलो तो चलो ना, कितना बस करते, चलो उठो चलो उठो ना। अभी क्या काम करना है रे? काम का कोई कमी, उठो ना, चलो ना, तुमको बताते ना क्या काम करना है। चलो ना उठो ना, चलो उठो उठो उठो, चलो ना जी। यहाँ पे पानी क्यों रखी हुई है जग में, पहले बताओ तो। पीने के लिए। बाप रे बाप, यहाँ पे लेटी हुई है भैंसा की तरह, ऊपर से पानी पीने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। ऐसे बात करने का मैं कभी नहीं उठने जाएगी। तो कैसे कैसे बात करने वाला, उठो उठो उठो, चल तू चलो उठो ना रे, चलो ना, चलो उठो 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 उठो, चलो चलो उठो, चलो उठो, चलो ना उठो ना, चलो उठो चलो उठो, चलो ना, चलो 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 उठो उठो, चलो उठो ना रे, चलो उठो। बंद कर दो ना, कौन सा दिख रहा है फिल्म, देखो तो करिश्मा कपूर और कौन थी फिल्म हीरोइन, क्या मतलब दिव्या विद्या क्या तो कौन लड़की होता, बताओ ना उसका नाम, बताओ ना कौन थी। बैठ के ऐसे पैर मत झुलाओ, चलो अपना काम पे लगो, आए समझ में, क्या काम है, दुनिया भर का काम पड़ा है। चलो ना अंदर, कितना गंदा हो गया है, अच्छा से उसको साफ करो ना, चलो चलो चलो। वो मेरा काम है तो तुम्हारा काम, इसे तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, मेरे से साफ करने का होता तो मैं खुद ही कर लेता ना, तो मैं अपना आप साफ कर लूँ। नहीं नहीं चलो चलो, नहीं वीडियो में साफ करो ना अच्छा से, चलो ना वहाँ पे कितना एकदम कचरा कचरा हो गया, चलो अच्छा साफ कर लो, चलो अभी देखिए बारिश। हाँ तो बारिश तो हो रही, उसके लिए क्या करना है, तो चलेगा इस, मैं आपको देख करे, लेकिन इसका काम ही करो रे, काम ही करो रे। चलो चलो, रोमांटिक होने का भी समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सबों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारे गांव में बारिश का मौसम जो है सुबह से बारिश जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए अभी भी मौसम जो है पूरा अच्छे तरीके से फ्रेश नहीं, अभी भी बारिश हो रही है। और इस बीच में आ गया है मेरे वाइफ के फ्रेंड का फ़ोन, तो चलिए उसे पहले बात करा देता हूँ। तो बात करके यहाँ पे मेरी वाइफ की हो गई। एक्चुअली ये था कि गाइज 15 अगस्त था आज, तो कल शाम को जो है एक इनका फ्रेंड आया हुआ था, जल्दी जल्दी में भाग के उनके बेटी को आज भारत माता का रोल लेना था स्कूल में, तो उसको जो है ब्लाउज उसका सिलाया हुआ नहीं था, तो वही ब्लाउज सिलाने के लिए आई हुई थी। तो वहाँ पे रात को रुक के वो खुद बोली कि खाना मैं बना के देती हूँ, लेकिन मेरा बेटी का ब्लाउज जो है आज सिलाई करके आप दो। तो लगभग वो 8 बजे आई और 9 बजे तक इन्होंने ब्लाउज कर सिलाई करके दे दी थी, तो पेमेंट नहीं की थी, तो इन्होंने बोली थी कि फोन पे पेमेंट कर दीजिएगा, तो वो पेमेंट उसने आज भेज दी। पेमेंट भेजा करने लगी, खोल के दिखा दो तो उसी के लिए फोन की थी कि पेमेंट मैंने फोन पे कर दिया, आपका पेमेंट आया नहीं आया। अभी मैं ले जा रहा हूँ अपने जीवन साथी को साफ कराने के लिए, तो चलो चलो चलो, काफी कचरा हो गया है, चलो ज्यादा बहस मत करो, साफ सफाई कर लो, उसके बाद जो होगा वो करते रहना। अंधेरा हो जाएगा तो फिर अंधेरा में दिखेगा नहीं अच्छा से साफ करने के लिए, लाइट जब आएगी जब। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बोल रहा था साफ सफाई करना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या साफ सफाई करना है। और आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि वीडियो के लास्ट समय तक प्लीज बने रहिएगा। और यहाँ पे जो काम करते हैं, तो काम करने के दौरान काफी यहाँ पे गंदगी फैल जाता है, तो उस गंदगी को साफ करना जरूरी हो जाता है। चाहे आप कहीं भी काम कीजिए, घर में कीजिए, बरांडा पे कीजिए या छत पे कीजिए, अगर काम करने लगते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी फैल जाती है, तो उस गंदगी को अगर साफ नहीं करते हैं तो वो वास्तु शांत के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। और कोई अगर आके भी देखता उस चीज़ को तो उसको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे काम किया है और कितना सारा गंदगी ये करके रखा हुआ है। तो वही चीज़ मैं इनको बोल रहा था कि अभी लाइट नहीं है, लाइट में ये यहाँ पे अभी सिलाई कर रही थी, तो लाइट अभी हमारे यहाँ कट चुका है। और यहाँ पे देख पा रहे जितना भी ये सिलाई की है अभी सिलाई का काम ब्लाउज सब, तो आपको गिनती करा दूं कि परसों से लेके आज तक मैं कितना सिलाई की है। तो ये देखिए, एक, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 मिला जुला के लगभग 16-17 ब्लाउज यहाँ पे सिलाई किया हुआ है, और इतना हाथ सिलाई करने के लिए बाकी है। इसको मैं भी अपना हाथ बटाता हूँ, साथ देता हूँ, जो सिलाई करती है मशीन से, और बाकी का जो भी हाथ सिलाई का काम रहता है गाइस वो मैं ही करता हूँ, तो फिर इसे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी फिलहाल जो है, जब से हम लोग महाराष्ट्र छोड़ के अपने गाँव आए हुए हैं,
तो यूँ समझ लीजिए कि पैसे का जरिया जो है खास करके हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट है यूट्यूब, और दूसरा है ये हमारा सिलाई का काम। तो इसी से अभी हम लोगों का घर बार चलता है, और बहुत आप लोग प्यार सपोर्ट देते हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, जिससे हमें दो पैसे की अर्निंग हो पाती है गाइस। और ये जो सिलाई कटाई का काम था ये मैंने बहुत ही मतलब माला के लिए जब महाराष्ट्र में मैं था तो सेक्रीफाइस करके इनको ये जो है काम सिखाया सिलाई कटाई का। बट अभी गांव में आके इस चीज़ का उपयोग हो रहा है। क्या होता है, अगर घर के कोई भी सदस्य कोई चीज़ सीखना चाहता है, अगर घर के बड़े बुजुर्ग अगर उनको बड़े जो गार्जियन होते हैं उनको अगर सेक्रीफाइस उनके लिए नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर वो चीज़ में वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो मुझे मालूम है कि इनके लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, और अभी भाव खा रही है, देख पा रहे हैं तो सुबह जाती थी मैं 9 बजे क्लास में, और सुबह का दोपहर का लंच, शाम का क्या बोलते हैं डिनर, सब कुछ बना के रखते थे। फिर ड्यूटी भी करते थे, और फिर मुझे बस स्टॉप पे से लाने भी जाते थे बच्चे को गोद में लेकर। काफी सारी ऐसी हमारा जो है गाइस लव स्टोरी में ये कहानी है किस तरीके से हमने वहाँ पे उनको ये चीज सिखाया है। तो किसी दूसरे वीडियो में मैं उनका सारा डिटेल आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से बैठ करके। और अभी हो रही सफाई की बात, तो यहाँ पे सिलाई का जो काम करती है उसकी वजह से काफी यहाँ पे गंदगी फैल गया है, देख पा रहे हैं। तो ये सारा गंदगी को अभी साफ करना, देखिए आप ही कितना विचित्र लग रहा है। तो कोई भी कस्टमर आता है तो उनको ऐसे बोलता है गे इतना बैठ के सिलाई करे सफाई तफाई साफ सफाई नहीं करे छी गे, तो हमको सुन के खुद अच्छा नहीं लगता है। जो 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 जिनका चाची लगता है वो चाची बोलती है, जो जिनका जिस रिश्ते से बोलना रहता है उसे कोई आंटी बोलती है, तो अपने तरीके से सब बातचीत करती है। तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ यहाँ जो अभी साफ सफाई कर रही है मेरी वाइफ, तो आप कंटिन्यू वीडियो में गाइज बने रहिएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे गाइज सफाई करने के लिए लग चुकी है, और झाड़ू का डिमांड पहले हमसे ही कर दी। देखिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और उनको एक एक मटेरियल भी ला के दूंगा, अभी सफाई भी यहाँ पे करेगी तो झाड़ू हमें ही ला के देना पड़ेगा। और ये जो है सारा जितना जरूरी का काम था यहाँ पे देख पा रहे तख्ता वगैरह, हमें अभी ये नया वाला घर में शिफ्ट कर दिया है, बट इसको जब कहीं पे दूसरे जगह शिफ्ट कराएंगे, अभी इस घर का जो है हमारा नया बिल्डिंग का प्लास्टर नहीं हुआ, काफ़ी सारा इसमें काम बाकी है, तो वायरिंग भी अभी नहीं हुआ देख पा रहे हैं, तो इसलिए इसमें भी ऐसे ही खुला काम होता है। मतलब जो पेंडिंग का काम रहता है जिसका काम जल्दी नहीं, तो वो सब सामान को यहाँ पे रख देता हूँ। और इस तरीके से मैं पहले वहाँ पे सिलाई करती थी उस घर के बरामदा पे बैठ के, और अभी जो है यहाँ पे बैठ के ये सिलाई करती है। ये हमने ऑलरेडी पहले ही टेबल खरीद रखा था, हमने इसका जो खटाल सब होता है दुकान के लिए, तो वो सब भी हम खरीद के रखे हुए हैं कि हमारा बिजनेस करने का प्रॉस्पर है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या सपोर्ट होता है, तो जैसे जैसे पैसे आएगा गाइस तो हम बिजनेस भी चालू करेंगे, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ पे अभी हो रही है साफ सफाई, ये देखिए ले बैठे थे, सफाई कर लेगी तो अच्छा रहेगा ना जी। हाँ हम अपने लिए बोल रहे, कितना देखो तो यहाँ पे भर गया है कचरा, कचरा नहीं है ये पैसा है ना, तो पैसा है तो उसको उठा के एक साइड में रखो ना, हम क्या बोलते हैं ये टूल को हटाओ अच्छा से साफ करो, अभी हटा दीजिए तो सब कुछ हम ही कर देंगे आधा ज्यादा काम, तब तुम बैठ के खाली क्या इधर से उधर कमर हिलाते फिरेगी। देखिए इतना सारा कपचन जो है, ये सारा जो कपड़ा जो सिलाई किया जाता है उसका है गाइस, उधर देख पा रहे एक बोरा उधर भरा हुआ है, एक पन्नी इधर भरा हुआ है, और इधर देखिए ये सारा भी इधर कपचन ही भरा पड़ा हुआ है। तो जिसको अगर कोई काम लगता है तो ले जाता है, नहीं तो फिर हम लोग के गाँव में एक मशीन आता है धुनने वाला, उसको धुन के इसका रजाई वगैरह जो है ना बिछाने वाला दरी सब बन जाता है, तो उसके उपयोग में ये आ जाता है। और इधर देख पा रहे कस्टमर तो काफ़ी सारा गाँव में भी आ गया है फिलहाल, देखिए इतना सारा कपड़ा सिलाई का सब पड़ा हुआ है, नीचे भी रैक में देख पा रहे हैं सारा का सारा सिलाई का ही कपड़ा है। तो जैसे जैसे इनको फुर्सत होता है उस तरीके से ये सिलाई करती है, क्योंकि बाकी घर का भी काम करना पड़ता है ना, इसलिए एक ही काम में लगे रहने से नहीं होता है, सुबह उठ के फिर साफ सफाई करना, क्लीनिंग करना, खाना पीना बनाना, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों। हम दोनों को ही पूरे जिम्मेवारी घर का है, और महाराष्ट्र में भी थे तो हम दोनों के साथ दोनों काम करते थे, अब यहाँ पे भी आए तो पूरे जिम्मेवारी से पूरे फैमिली का जिम्मेवारी उठा के अपने कंधों पे रखे हम दो जने। चलो 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 करना पड़ता है, हंसती है किनारे हा 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 करके तो आप तो हमें हंसी दिखाते दिखाते चलो करना काम।
देखो तो अब यही जो जगह है कितना अच्छा लग रहा है देखो तो। अब यहाँ पे अब यहाँ पे बैठ के काम करेगी तो कितना अच्छा लगेगा, देखने में भी कितना सोच लगता है। कहावत में है उसको क्या, हमेशा सफा रहो बफा। सफा जगह पे कोई काम करता है तो उसमें बरकत भी होती है, मालूम है तुमको। दो चार दिन से हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ वो हुआ है, बात बराबर है, लेकिन साफ सफाई तो करना जरूरी है ना भाई। तो अब देखिए गाइस, यही जगह जो है पहले की अपेक्षा कितना अच्छा और कितना स्वच्छ लग रहा है। इतना अच्छा जगह को जब मान के चलिए कोई गंदा बना के रखे तो उनकी ही खुशी है ना। कोई तो कोई, हमको बोलिए ना, हम फिर ये बोले। अरे तुमको ताना नहीं मार रहा हूँ, तुमको तकलीफ क्यों हो रही है, और तुम ही तो गंदा करती है तो किसको बोलेंगे है? गंदा करती है तुम बोलेंगे किसको। हम जब यहाँ पे कोई भी सिलाई कटाई का काम करते तुरंत इसको हम साफ कर लेते हैं, ऐसे नहीं छोड़ देते तुम्हारे भरोसे, जो मेरी भी ब्याह इसको साफ करेगी। फाइनली यहाँ पे देख पा रहे गाइस, साफ सफाई में जो मैंने लगाया था माला को, तो साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे सेट करना है टूल इनका बैठने वाला, और यहाँ पे थोड़ा सा कचरा है तो जब तक ये कचरा को उठा लेती है तब तक मैं टूल को जो है एक जगह पे रख लेता हूँ। ये भी ले लो, लो इसको। तो ये रहे इनका बैठने का टूल, जिसके ऊपर बैठ के सिलाई का काम करती है। एक हाथ से तो होता नहीं है, चलो दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, भारी बहुत है ये टूल गाइस। ये जो है ना प्योर सखुआ का लकड़ी का बनाया हुआ है, पापा जी ने टूल बनवाए थे तो बहुत वजन है। तो ये टूल इनका सेट हो गया, और देखिए सारा कुछ को वहाँ पे समेटने के बाद इतना जो है मतलब कचरा निकला इसमें से फेंकने के लायक, बाकी सारा कचरा इसने बोरा में भर दिया है। हो गया ना, चलो आ जाओ, अब आ जाओ, क्या दिखाना था तुमको दिखाओ। तभी से बोल रहे थे हमको एक चीज दिखाना है, चुभ गया है। क्या चुभ गया है दिखाओ तो, अभी दिखाते हैं ना, दिखाओ ना काम करवाते, क्या चुभा हुआ है। नहीं बिना काम करके तो बाबा कहाँ चलते हैं जिंदगी, काम तो करना ही पड़ता है। दिखाओ ना क्या चुभा है, दिखाते हैं ना, बैठने तो दीजिए हमको, बैठ के दिखाएगी, दिखाओ तो क्या हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं लाल लाल, ये जो है ना वो पिलुआ का चकता है। तो यहाँ पे गाइस सुबह में ये गई थी परवल तोड़ने के लिए, जैसा कि अगले वाले वीडियो में हमने आपको दिखाया था परवल की सब्जी रोटी जो बना था। तो एक मतलब कीड़ा होता है उसका जो रुआ होता है ना साला बहुत चुभता है, तो सुबह में इसके पैर के नीचे आ गया था, जिसके कारण से इसको यहाँ पे जलन जैसी हो रही है। तो इसको रात में क्या करो, जब खाना बनाएगी ना तो कोई चीज़ को गर्म करके स्टील का उसको यहाँ पे इसे हाँ इस तरीके से करेगी तो जल जाएगा बहुत, इसमें खुजलाहटपन होता है ना, और कचकता है, बहुत खतरनाक होता है गाइस वो कीड़ा। तो इस तरीके से हो जाती परेशानी तो क्या बोले इसके लिए।